नमस्कार दोस्तों, दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में नवमी की आप सबको हृदय से शुभकामनाएं। एक ऐसे वक्त जब पूरा देश दुर्गा पूजा मना रहा है, दुर्गा की मूर्तियां, सब लोग अपने परिवारों के साथ दुर्गा के दर्शन कर रहे हैं, हमारा मीडिया क्या कर रहा है? हमारा मीडिया गरबा जिहाद चला रहा है। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद में तेरे, यानी कि दुर्गा पूजा जैसे पावन मौके पर भी इन्हें नफरत फैलाने की वजह मिल गई। आपके सामने मैं मिसाल देना चाहता हूं दोस्तों, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रही है। न्यूज 18, कागज नहीं दिखाएंगे गरबा में आएंगे, मुसलमानों पर निशाना। जी न्यूज की हेडलाइन, मेरे गर्भे में तुम्हारा क्या काम है। और कल ही मैंने आपको बताया था कि आज तक ने किस तरह के कार्यक्रम किए थे, जिसमें वो ये बतला रहा था कि इस मौके पर मुसलमान जो है हिंदू लड़कियों पर निशाना साधते हैं, गर्भे में प्रवेश करते हैं और लव जिहाद को अंजाम देते हैं। इसके बाद दोस्तों, टाइम्स नाउ, गरबा बहाना हिंदू बेटियां निशाना। इन सब के मन में हिंदू बेटियों की चिंता है। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये हिंदू बेटी याद है आपको? अंकिता। इसके साथ जो किया भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या ने, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसकी लाश मिली थी, उसकी उम्र महज 19 साल की थी, और उस पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि वो जिस्म फरोशी करे। उसे पहले महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली थी और उससे पहले ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। आरोपी कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, उसका बेटा है पुलकित आर्या। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, यहां तो बात अंकिता नाम की हिंदू लड़की की थी ना, कितने मीडिया न्यूज चैनल्स ने अंकिता की बात उठाई बताइए? वो बात भूल जाइए, आपको याद है झारखंड में एक अंकिता का गुनहगार था शाहरुख नाम का एक शख्स। उस अंकिता के लिए चंदा उगाही करने के लिए पहुंच गए थे कपिल मिश्रा, इसके अलावा गोड्डा से जो इनके सांसद हैं वो भी पहुंच गए थे, मगर अंकिता, उत्तराखंड की अंकिता का किसी को परवाह नहीं है। मीडिया ने भी जिस शिद्दत के साथ इस खबर को करना चाहिए था, नहीं बिल्कुल किया। और आज ये चिंता जतला रहे हैं हमारी हिंदू बहु बेटियों की। मगर मैं कुछ और पूछना चाहता हूं, दुर्गा पूजा एक ऐसा मौका है जिसका नाता धर्म से है, जिसका नाता अध्यात्म से है, जिसका नाता दिलों को जोड़ने को लेकर है, मगर इन लोगों ने इस मौके पर भी गरबा जिहाद जैसे जो हैं शब्दों पर, जैसे मुद्दों पर वो कार्यक्रम कर रहे हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, 2014 से पहले दोस्तों जब भी दुर्गा पूजा हुआ करती थी ना, न्यूज चैनल्स सिर्फ दुर्गा पांडालों में अपने रिपोर्टर्स को भेजते थे और उसकी कवरेज किया करते थे एक धर्म के मायने। आज इन्होंने हमारे धर्म को भी दूषित कर दिया है, उस धर्म में भी ये नफरत ले आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों? कोलकाता के एक पांडाल में हुआ जो, वो तो निहायत ही शर्मनाक बात है, ये तस्वीर देखिए। कोलकाता के एक पांडाल में हिंदू महासभा ने जो असुर था, यानी कि देवी के चरणों में जो असुर है, महात्मा गांधी की मूर्ति उन्होंने लगाई वहां पर। मैं तुम लोगों से बोलना चाहता हूं, 1948 में गोडसे ने गांधी को मारा, जो उस देश का पहला आतंकवादी था। हर साल किसी न किसी बहाने हिंदू महासभा हो या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो, तुम बार बार महात्मा गांधी को मारने की कोशिश करते हो, मगर महात्मा गांधी की जो ताकत है ना, वो ताकत ऐसी है कि गांधी को तुम कभी नहीं मार पाओगे। वो भूल जाइए, सबसे बड़ी तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 अक्टूबर को राजघाट जाकर गांधी के सामने अपना सिर झुकाना पड़ा। और यही नहीं, प्रधानमंत्री जब विदेशी जमीन पर जाते हैं तब भी उन्हें महात्मा गांधी के सामने सिर झुकाना पड़ता है। महात्मा गांधी की ये ताकत है। आप मन में महात्मा गांधी को लेकर चाहे जितनी भी नफरत पैदा करें, मगर महात्मा गांधी के बगैर आपका कोई वजूद नहीं है। और जो तस्वीरें मैं आपको दिखला रहा हूं वो इस बात का प्रमाण है।
हिंदू महासभा को भी अपना वजूद बनाए रखने के लिए महात्मा गांधी को खलनायक के तौर पर पेश करना पड़ता है। यह ताकत है महात्मा गांधी की कि इतने सालों बाद भी महात्मा गांधी को याद रखा जाता है। जी हां, जिन मूल्यों के लिए वो खड़े रहे। महात्मा गांधी से ज्यादा कोई धार्मिक नहीं था, उनसे बड़ा कोई हिंदू नहीं था, मगर उनके हाव भाव में, उनकी भाषा में, उनकी बोली में कभी भी दूसरे धर्म के अनुयायियों के लिए, अनुसरण करने वालों के लिए अपमान नहीं था। गोडसे ने इसीलिए तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। यह ताकत है महात्मा गांधी की। आज वो मीडिया जो दुर्गा पूजा जैसे पावन अरसे पर भी समाज के अंदर जहर फैला रहे हैं, वो 2022 के नाथूराम गोडसे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। वो शख्स जो इस देश का पहला आतंकवादी था, नाथूराम गोडसे। वाकई इन न्यूज चैनल्स को शर्म आनी चाहिए, और शर्म आनी चाहिए उन तमाम प्रोडक्ट्स को, उन तमाम कंपनियों को जो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं इन कार्यक्रमों में रखते हैं विज्ञापन के तौर पर। आप क्यों विज्ञापन देते हैं ऐसे नफरती कार्यक्रमों में? खैर, एक चैनल की क्या बात करें, मैं आपके सामने मिसाल पेश कर चुका हूं। तमाम न्यूज चैनल्स में किस तरह की नफरत, किस तरह की नंगई, वो भी दुर्गा पूजा जैसे पावन अवसर पर चलाई जा रही थी। मैं आपके सामने एक खबर दिखाना चाहता हूं। यह खबर है बोलता है हिंदुस्तान की। यह खबर क्या कहती है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में भगवान की मूर्ति छू लेने पर दलित की हत्या। 50 साल के जगरूप को पीट पीट कर मार डाला गया। संदीप मिश्रा, कुलदीप मिश्रा पर FIR दर्ज, आरोपी फरार। इस मुद्दे पर प्रतापगढ़ पुलिस क्या कहती है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों की त्वरित गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक पट्टी को कड़े निर्देश दिए गए हैं। वह अन्य अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर सच्ची है। एक दलित को दो मिश्रा बंधुओं ने इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने भगवान की मूर्ति छुई। और आपको इस बात की चिंता हो रही है कि हमारे गरबा के पांडालों में मुसलमान घुस के लड़कियों को छेड़ रहे हैं। मैं साफ कह दूं, जो लड़कियों को छेड़ता है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर बड़ा प्रश्न ये जो तमाम न्यूज चैनल जो नफरत चला रहे थे, उन्होंने कौन से वैज्ञानिक सबूत दिए अपने कार्यक्रमों में कि एक सोच के अंतर्गत यह काम किया जा रहा है इन तमाम गर्भा पंडालों में? और इन तमाम न्यूज चैनल्स ने बोलता हिंदुस्तान में जो एक खबर आई है उसकी कोई चर्चा की? बताइए, आपने इस मुद्दे की चर्चा की कि एक दलित को सिर्फ भगवान की मूर्ति छू लेने पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया? और अनसीन इंडिया की एक और खबर देखिए दोस्तों, मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता। मंच पर रामलीला चल रहा था और फिर अचानक मंच पर अश्लील नाच शुरू हो गया, बार बालाओं का नृत्य शुरू हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह धर्म कहां से हो गया बताइए ना? क्या इसमें आपको धर्म का अपमान नहीं दिखाई देता? वो जो आयोजक थे इसके, जाहिर सी बात है जो लोग रामलीला कर रहे थे उन्हें इस बात की पूरी जानकारी होगी कि मंच पर बार बालाओं का नृत्य होगा। सीधा सवाल है आपसे, क्या इसमें आपको धर्म का अपमान नहीं दिखाई देता जब एक दलित को सिर्फ मूर्ति छो लेने पर मौत के घाट उतार दिया जाता है? उसमें आपको भगवान का अपमान नहीं दिखाई देता? ईश्वर तो सबके है ना, बताइए। धर्म, जाति, सोच, अमीरी गरीबी के आधार पर भगवान फर्क नहीं करते। मगर उन दो मिश्रा बंधुओं ने उस दलित को मौत के घाट उतार दिया। इन न्यूज चैनल से मैं पूछना चाहता हूं, ज्यादा जरूरी कौन सा मुद्दा है? वो मुद्दा जिसके जरिए समाज के अंदर जो है नफरतें पैदा की जाएं, या फिर वो मुद्दा जिसके जरिए समाज के अंदर जो वंचित हैं, जिन्हें हाशिए पर रखा जा रहा है, जैसा कि वो दलित युवक जगरूप जिसे मौत के घाट उतार दिया गया था, इन दोनों में से कौन सा जरूरी मुद्दा है बताइए? यानी कि दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर भी इन लोगों ने नफरत फैलाने का जरिया ढूंढ लिया। एक और खबर दिखाता हूं मैं आपको, आपकी स्क्रीन पर देखिए।
आप जानते हैं भारत की सकल घरेलू उत्पाद 8.2 से 5.7% पर गिरने आने वाली है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंडिया की धड़ाम से नीचे आ रही है। मीडिया चर्चा करेगा इसका, बताइए क्या इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? चलिए मान लिए त्योहारों का मौका है और इस मौके पर ऐसी नकारात्मक खबरों की चर्चा नहीं होनी चाहिए, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गर्भा जिहाद जैसे मुद्दे, यानी कि त्योहार जो कि मिलन का मौका है, मेल मिलाप का मौका है, और उसके अंदर भी आपने नफरतें पैदा करने का जरिया ढूंढ लिया, क्या ऐसा होना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 2014 से पहले ऐसा होता था? क्या 2014 से पहले पांडाल के अंदर महात्मा गांधी को असुर के तौर पर पेश किया जाता था? विडंबना यह है दोस्तों कि वो जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी वो कोलकाता के एक पांडाल में हुई, वो कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वो पश्चिम बंगाल जहां ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। अजीबोगरीब बात यह हुई दोस्तों कि इस घटना की आलोचना सीपीएम ने भी की है, कांग्रेस ने भी की है और बीजेपी ने भी की है। आपको आलोचना करने की क्या जरूरत है? याद है सांसद प्रज्ञा, गोडसे के पक्ष में इन्होंने बयान दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में क्या कहा था कि मैं प्रज्ञा को दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। प्रज्ञा सांसद बनी, फिर सांसद बनने के बाद संसद के अंदर कई समितियों की सदस्य भी बनी और प्रधानमंत्री का वो बयान वहीं का वहीं रह गया कि मैं प्रज्ञा को दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से, खासकर पश्चिम बंगाल बीजेपी से, कि अगर एक पांडाल के अंदर दुर्गा पूजा के मौके पर महात्मा गांधी को असुर के तौर पर पेश किया गया तो आप उसकी आलोचना क्यों कर रहे हैं? आपको तो उसका महिमा मंडन करना चाहिए, क्या पता आपके वोट्स बढ़ भी जाएं, क्योंकि बीजेपी की तो यही सोच है ना, इस तरह की तमाम चीजों को बढ़ावा दिया जाए ताकि हमारे वोट्स बढ़ सकें। बुरा लग रहा है, मेरी बात आपको बुरी लग रही है? ये बुरी इसलिए लग रही है आपको क्योंकि ये हकीकत है, बताइए ना, ये जो तमाम चीजें मैंने आपको बताई हैं। अरे भाई, दुर्गा पूजा के मौके पर आप और हम अपने परिवार के साथ खुशियां मनाना चाहते हैं, मगर प्राइम टाइम के जरिए इतना जहर बो दिया गया है कि अब भी पांडाल में घुसते समय हमारे दिमाग में यही टेंशन रहती है कि देखिए साहब कहीं कुछ हो ना जाए, जो जहर इन्होंने बो दिया है प्राइम टाइम के जरिए। खैर, ये मुद्दे लगातार इस मंच पर उठाए जाते रहेंगे क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम है बोल केला बाजार है तेरे। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।